नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने स्वराज के बारे में एक वीडियो हमने बनाया था कि स्वराज ने अपने दो नए ट्रैक्टरों को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, वो ट्रैक्टर जो थे वो साउथ इंडिया में वेस्ट बंगाल और एमपी में लॉन्च कर रहे थे। उस समय स्वराज ने मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी समय पहले से हो चुकी थी, लेकिन अपने एरिया में भी दोस्तों ये ट्रैक्टर कंपनी जो है दिल्ली में जो लॉन्च इवेंट है वो हो चुका है और अपने एरिया में भी ट्रैक्टर जो है ये आ चुके हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वराज का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट जो कि है स्वराज का 744XT, बिल्कुल नई शेप और नई डिज़ाइन के साथ में टॉप मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है। इसका आज फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जो अपने एरिया में, हमारे एरिया में इकलौता एकमात्र ये ट्रैक्टर है जो अभी हाल ही में आज ही ये आया है और आज आपको इसकी वीडियो फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं क्या कुछ फीचर कंपनी इसमें हमें दे रही है। तो सबसे पहले इसका एक बार डिज़ाइन आप देखोगे तो पीछे से अगर स्टार्ट करें तो इसके जो फेंडर हैं दोस्तों, इनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ा दी गई है। इसकी जो चौड़ाई है उसको भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और बात करें इसके टायर्स के बारे में तो जो टायर्स हैं वो 14 और 28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं इसके पीछे वाले, और सजावट पूरी प्रॉपर तरीके से इसमें करी गई है। बात करें इसके प्लेटफॉर्म के बारे में तो कुछ ऐसा ही आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। हाइट को ऊँचा किया गया, बाकी का सेम टू सेम पहले जैसा ही है। सेंटर में गियरबॉक्स है इस ट्रैक्टर में, आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी बॉक्स पहले जैसा ही यहाँ पे थोड़ा रखा गया है। अब बात करें इसके, ये जो बॉडी में चेंज किए गए हैं ये बिल्कुल दोस्तों 963 या 900 में जो आता था बॉडी, उसी तरह की बॉडी इसमें कर दी गई है। 5-स्टार मॉडल है सिंस 1974, सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा स्वराज का स्लोगन है, तो वो आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगा। साइलेंसर दोस्तों एकदम से अलग कर दिया गया है, पूरा जो है हीट गार्ड के साथ में ऊपर से नीचे तक इसको कवर किया गया है ताकि कोई भी अगर इसको छू ले तो जलने का या वैसा कोई टेंशन, कपड़े वगैरह जलने का टेंशन ना रहे। और आवाज़ भी दोस्तों पहले से काफ़ी बुलंद कर दी गई है। स्वराज 744XT की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है। रिवर्स पीडीओ का ऑप्शन दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। डबल पंप आपको दे रखे, पावर स्टीयरिंग लिफ्टोमेटिक का और पावर स्टीयरिंग का पंप आपको यहाँ पे दे रखा है। ये जो दे रखा है दोस्तों आपको ये इंजन ऑयल का फिल्टर है और ये हाइड्रोलिक फिल्टर आपको दे रखा है। सेल्फ स्टार्टर मोटर यहाँ पे दे रखी है। तो थोड़ा सा चेंजेस में करे गए हैं जो कि एकदम से अलग है, जो नए हैं मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। आगे का जो टायर्स में दे रखा है वो 750 का दे रखा है जो कि अपोलो क्रशर का टायर्स दे रखा है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो इसका जो लुक है कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपके लिए। हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है फ्रंट में और स्वराज की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है। इस बोनट के लिए आप एक ही बटन से यहाँ से अगर करेंगे तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं इजीली, आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। सिंगल पीस में बोनट है पूरा का पूरा। काफ़ी बड़ा रेडिएटर आपको दे रखा है जो कि आपको ओवरफ्लो रिजर्वॉयर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है पूरा, आप देख सकते हैं। वाटर कूल ट्रैक्टर है, अल्टरनेटर यहाँ पे दे रखा है और ये जो है कूलेंट आपको दे रखा है। थोड़ा इधर से हम दिखाएंगे तो पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। बॉस कंपनी के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ आपको देखने को मिल जाता है। 3478 cc का पावरफुल इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो वर्क करता है 2000 rated RPM पे। आपको ये एयर फिल्टर जो दे रखा है वो ऑयल वाथ टाइप का विद प्री क्लियर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 जगह हवा छन करके ट्रैक्टर में जाती है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पावर स्टीयरिंग का ऑयल यहाँ पे दे रखा है आपके लिए, तो इसको हम लोग जरा बंद कर लेते हैं और उसके बाद आगे की हम लोग वीडियो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं तो इजीली हम इसको बंद कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके फ्रंट एक्सल के बारे में तो जो आगे का फ्रंट एक्सल है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है अपनी सुविधा से। इसको जितना आपको ज़रूरत है उतना इसको, इसकी जो चौड़ाई है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में तो जो पावर स्टीयरिंग है वो आपको सिंगल सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। ये पूरा है, इधर से भी आपको स्वराज 744XT 5-स्टार की ब्रांडिंग आपको दे रखी है पूरी प्रॉपर और ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म के बारे में इधर से तो आपको सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए दे रखा है। इस पर पैर रखे इजीली ड्राइवर सीट तक आप पहुँच सकते हैं, तो एक बार मैं चढ़ के दिखाता हूँ आपके लिए। आसानी से आप इजीली, आपका कोई भी हाइट है कोई भी वेट है, अपनी हाइट और वेट के हिसाब से सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा चाहे वैसा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइवर सीट है और काफ़ी स्पेस है, आप अपने पैरों को चाहो तो रेस्ट में रखना चाहो तो यहाँ पे आपके फुट गार्ड भी दे रखे हैं, यहाँ पे अपने पैरों को रेस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों ड्राइवर सीट पे बैठ के कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर है, पहले से ऐसा लग रहा है कि 855 पे बैठे हुए हैं, काफ़ी ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है और 855 तो इससे भी ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया है, तो उसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे आगे जाके। तो डैशबोर्ड के बारे में अगर बात करें तो पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको पूरा इस तरीके से ग्राफिक्स में चेंज किया गया, अंदर से सेमी डिजिटल डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको इंजन ऑयल का प्रेशर, टेम्परेचर, RPM मीटर, कितने घंटे चला हुआ सारी की सारी जानकारी, फ्यूल मीटर और बैटरी की हेल्थ वगैरह वो भी सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पावर स्टीयरिंग यहाँ पे मिल जाता है हॉर्न के साथ में, स्वराज का लोगो यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे हेडलाइट्स कंट्रोल दे रखे हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इग्निशन हो गया आपका, स्टॉपर का बटन यहाँ पे दे रखा है। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो क्लच दे रखा है वो आपको डबल क्लच ट्रैक्टर है ये, इस वाले क्लच से केवल गियर्स ऑपरेट होते हैं
ये आपका फुटरेस्ट दे रखा है और एक क्लच आपको और दे रखा है जो कि ये दे रखा है, ये आपका इंडिपेंडेंट दे रखा है। इस वाले क्लच से अपने पीटीओ को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो पीटीओ आपको जो दे रखा है दोस्तों, ये पीटीओ का लीवर आपको दे रखा है जिसमें आपको 540 स्टैंडर्ड आपको क्रिप्टो पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 4 स्पीड आपको फॉरवर्ड पीटीओ में और 1 स्पीड आपको रिवर्स पीटीओ में देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके गियरबॉक्स के बारे में, तो इसमें आपको सेंटर गियरबॉक्स दे रखे जिसमें 1, 2, 3, 4 लो हाई का दे रखा है, तो इसमें मतलब 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का स्लाइडिंग और कांस्टेंट मैस का कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में, तो जो ब्रेक्स इसमें दे रखे हैं वो आपको तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। पूरा आप देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, इजीली आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेस दे रखी है। और बात करें इसके यहाँ पे पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको दे रखे हैं जिनसे आप अपने इंप्लीमेंट की गहराई और ऊंचाई को पूरा सेट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपको चार्जिंग पॉइंट दे रखा है जिसमें अपने मोबाइल को रख करके आप इजीली चार्ज कर सकते हैं, बहुत ही सही चीज़ लगी मुझे ये। और ये जो दे रखा है ये ऑक्सिलरी लीवर आपको दे रखा है जिससे पीछे कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट चला रहे हैं तो उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। सो दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में। पीछे से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था फेंडर्स की चौड़ाई बढ़ा दी गई, यहाँ से भी आप प्रॉपर देख सकते हैं डिपर्स और वर्किंग लाइट को भी। दोस्तों इसमें पहले गोल आती थी लेकिन ये रेक्टेंगल कर दी गई है, काफ़ी अलग कर दिया गया इसमें सेटअप पूरा। बात करें इसके जो पट्टियाँ दे रखी हैं और जो लोरिंग दे रखी हैं वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दे रखी हैं, आप देख सकते हैं पूरा। इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक पिन को निकाल करके एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं, आसानी से ये हो जाता है। उसके बाद बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ 1700 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है। और ये जो सेटअप आपको दे रखा है इसको खोल करके आप इजीली, जैसे ये खोलेंगे तो अगर आप अकेले हैं तो इसकी मदद से आप अपनी जो लिफ्ट है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, दो लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही अपने किसी भी इंप्लीमेंट को जोड़ सकते हैं। ट्रैक्टर जब स्टार्ट होता है तभी ये काम करता है, बंद पे नहीं करता है। और आपके लिए यहाँ पे टॉपलिंग कंपनी से ही आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए मिल जाते हैं, जैसे आपको मांझे का काम है या फिर कोई हाइड्रोलिक प्लाव अगर आपको चलाना है, कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट चलाना है तो इससे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। 3 पॉइंट की सेंसिंग आपको मिल जाती है, जैसी भी आपकी मिट्टी है, जैसा भी आपका यंत्र है, अपने यंत्र और अपनी मिट्टी के हिसाब से ये सेंसिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। 33.8 किलो वाट ये अपने पीटीओ में निकाल के देता है। और इस ट्रैक्टर की जो टोटल ओवरऑल SFC है दोस्तों वो 257 आपको देखने को मिल जाती है, प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों बात करें इसके इंजन के बोर और स्ट्रोक के बारे में, तो इसमें आपको 110 mm का बोर और 122 mm का स्ट्रोक आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा है अपनी श्रेणी के सभी ट्रैक्टरों में जो कि 50 HP में आते हैं, काफ़ी अच्छा खासा बोर और स्ट्रोक आपको देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ये था स्वराज 744 XT नई लुक और नई डिज़ाइन का पूरा वीडियो। कोई भी ट्रैक्टर का सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस ट्रैक्टर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आदर्श मोटर्स सहजवान में आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसका जो ऑन रोड प्राइस है लगभग आपको बता देता हूँ, लगभग 7.5 लाख या 7,60,000 के आसपास ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। बाकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो या शोरूम पे या फिर मैंने वीडियो में नंबर दे दिया है, उनसे बात कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।